बॉस, आपने जो कहा सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब है अब मैं काम नहीं, सिर्फ आराम करूँगा, बिना कैश के ऐश करूँगा। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है, मैं लोगों के घर उनका दूर का रिश्तेदार बनकर जाऊंगा और ऐश करूंगा, बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगा, उनसे सेवा करवाऊंगा। हेलो अंकल, आपको किससे मिलना है? अरे नहीं अंकल, लेकिन बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? अंकल के बच्चे अपने झुमरी तलैया वाले मामा को नहीं पहचानते? झुमरी तलैया वाले मामा जी, सॉरी सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे कब बचपन में आपसे मिला था, कितने साल गुजर गए, लेकिन मामा जी आपको मेरा पता कैसे पता चला? अरे क्या पता पता लगा रखा है, अपने भांजे का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है? अरे अब मुझे अंदर नहीं ले चलेगा? सॉरी सॉरी मामा जी, वेरी सॉरी, आइए आइए अंदर आइए प्लीज। अरे पतलू ये देखो, मेरे झुमरी तलैया वाले मामा जी आए हैं। तुम्हारे पास 1000 रुपए के छुट्टे हैं क्या? बाहर तो भिखारी खड़े हैं, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। मेरे मामा जी बहुत ही दान पुण्य वाले आदमी है, इन्हें जरा 1000 रुपए का छुट्टा दे दो। ये लो, साहब लोगों की तरफ से 1000 रुपया। तुम भी क्या याद करोगे कि किस दानी लोगों से पाला पड़ा था? ये दान आपने हमारी तरफ से किया? मेरे पास होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता? वैसे भी मैंने दिए या तुमने दिए, बात तो एक ही है ना? बड़ी भूख लगी है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मामा जी हाँ, पतलू ने अभी अभी खाना बनाया है, आइए खाते हैं। अरे मामा जी ये समोसे फेंक क्यों दिए? थोड़ा खाओ और थोड़ा जानवरों को खिलाओ, बाहर भूखे डॉगीज रो रहे हैं ना? इस मामा का ड्रामा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, देखता हूँ बाहर क्या है, डॉगी या फिर कुछ और। तो ये मामा नहीं जॉन है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। चाय वाले भैया सुनो, तुमसे एक काम है। अरे मेरे लिए तो एक भी समोसा नहीं बचा। समोसे टेस्ट कर लिए, बहुत ही अच्छे हैं। अब खाने के लिए ढेर सारे समोसे मंगा लो। मतलब ये आप टेस्ट कर रहे थे? अरे आप तो सचमुच मेरे मामा हो। अरे मोटू भाया, सुना है तुम्हारे झुमरी तलैया वाले मामा जी आए हैं। अब मामा जी नमस्ते, लाओ जल्दी से मेरे 10 लाख रुपए। हाँ 10 लाख? अरे कैसे 10 लाख, मैं तो आपको जानता तक नहीं। अरे मोटू पतलू ने मेरे इस घर के लिए 10 लाख लिए थे और कहा था मेरे मामा दे देंगे, और फोन पे आपसे बात करवाई थी, आपने भी कहा था ना हाँ मैं दे दूंगा, अब लाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुमसे कभी मिला तक नहीं, बात तक नहीं की। अरे मोटू पतलू देखो जरा देखो, इनकी नीयत बदल गई है। मोटू पतलू तुम दोनों बाहर जाओ जरा। हाँ
चलो। आपका तूफानी आइडिया तो फिर फेल हो गया। चुप करो। लेकिन इस बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा। मैं चिंगम के घर उसके बचपन का दोस्त बन के जाऊंगा। Thank you.
तुम रॉकेट में आसमान की सैर करने जा रहे हो, अब तुम्हारा वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कभी नहीं सुधरेंगे, इनके तूफानी आइडियाज इनको ही उड़ा देते हैं।